और भाई कैसा रहा रिजल्ट यार? बस 2 नंबर से रह गया यार। अरे यार अब क्या करेगा? पता नहीं यार, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अब तो ऐसा लगता है कुछ और ही देखना पड़ेगा। अब यार मेरा तो हो गया, पूरे 72 मार्क्स आए हैं। 72? अबे ये तो मेरे से भी कम है, तेरा कैसे हो गया? यार वो मैं रिजर्व कोटे से हूँ ना, सर्टिफिकेट दिखाया और मामला सेट। भाई गलत बात है यार ये दिस इज अनफेयर। अब जो है सो है। हाल ही में सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में SC ST और OBC कैटेगरी के लगभग 20,000 बच्चे सरकारी कॉलेजेस जैसे कि IITs और IIM से ड्रॉप आउट कर चुके हैं। इसके अलावा 2021 में भी एक सर्वे में पाया गया था कि पिछले कुछ सालों में IITs, NITs और IIMs इनमें से जितने भी बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया है उनमें से 60% से भी ज़्यादा रिजर्व कोटे से थे। अब ये सारी खबरें सुनकर अक्सर दिमाग में ख्याल आता है कि क्या वाकई में देश में रिजर्वेशन से किसी का फायदा हो रहा है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि हर साल कॉलेजों में रिजर्वेशन के चक्कर में न जाने कितनी सीटें बर्बाद हो जाती हैं, और अगर इन्हीं सीटों पर मेरिट के बेसिस पर एडमिशन दिया जाए तो न जाने कितने लोगों का करियर बच जाएगा। देश में रिजर्वेशन को लाया गया था कुछ बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और ऐसा कहा गया था कि इसे 10 साल बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उस बात को आज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या अब तक वो बैकवर्ड क्लासेस अपलिफ्ट नहीं हुई? दुनिया बदल गई, देश बदल गया, देश के लोग बदल गए, लेकिन रिजर्वेशन वही की वही है और बल्कि बढ़ गई है। आज रिजर्वेशन स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, नौकरी में है, प्रमोशन में है, कहाँ नहीं है। अच्छा दूसरा पॉइंट ये आता है, और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि यार मेरे साथ वाले का रिजर्वेशन की वजह से हो गया जबकि उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। मुझसे ज़्यादा अमीर है, मुझसे महंगे स्कूल में पढ़ा है, मुझसे महंगी कोचिंग में गया है, और इन सब के बावजूद भी मैं उससे ज़्यादा नंबर लेकर आया, लेकिन फिर भी उसका हो गया क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास का था और मैं रह गया। मतलब जो रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन को हटाने और इक्वालिटी को लाने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था उससे तो उल्टा मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरी इक्वालिटी का क्या भाई? तो अब सवाल आता है कि क्या रिजर्वेशन देश के लिए सही है? बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है भैया। जिसको मिल रही है वो तो यही बोलेगा कि हाँ सही है, और जिसको नहीं मिल रही वो भी यही बोलेगा कि सरासर गलत है, तुरंत हटा दो। जाहिर सी बात है कि आपने भी रिजर्वेशन को लेकर कोई ना कोई ओपिनियन तो बना ही रखा होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर मैं गारंटी देता हूं कि आपका इस टॉपिक को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। देखिए आज की डेट में शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है जो कि एक इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है और जनरल कैटेगरी के लिए बनाया गया है। इसका क्राइटेरिया यह है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या रिजर्वेशन की मदद से इन बैकवर्ड क्लासेस को एक्चुअली फ़ायदा भी हुआ है, क्या वाकई में अपलिफ्ट हुए हैं? अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो इसका जवाब है हाँ। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 के मुताबिक 2014 से लेकर 2021 तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में SC ST और OBC स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा गया है। इसके अलावा एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि इंडिया की जो मोस्ट एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि IITs, IIMs वगैरह, इनमें जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं अगर रिजर्वेशन ना होती तो वो लोग यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि रिजर्व होने के बावजूद भी हर साल SC ST की न जाने कितनी सीटें खाली जाती हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी पर 2011 के सेंसस के हिसाब से देश की 42% पॉपुलेशन OBC कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बाद भी 2019-20 और 2020-21 दोनों साल IITs में OBC कैटेगरी के लिए जितनी भी सीट्स रिजर्व थी उनमें से 50% खाली गई, यानी कि उन सीट्स के एडवांटेज लेने के लिए जो बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है वो तक नहीं है इनके पास। और यही हाल SC ST का भी है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2019 से लेकर 2022 तक का JEE मेंस का कट ऑफ स्कोर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी के स्कोर में लगभग 50% का फर्क है, लेकिन इसके बाद भी IITs में 2020-21 में एससी कैटेगरी के लिए जितनी भी सीट्स रिजर्व थी उनमें से 61% खाली गई। और इसकी एक नहीं कई वजहें। बैकवर्ड क्लासेस के ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों के पढ़े होते हैं और वहाँ की एजुकेशन कैसी होती है ये आपको भी पता है। इसके अलावा जो आजकल जितनी भी महंगी महंगी कोचिंगें हैं
उनको अफोर्ड करने के बारे में तो ये कभी सोच भी नहीं सकते। और ये तो सिर्फ एजुकेशन की बात हो गई, जो बचपन से ही अपनी कास्ट को लेकर इन्हें डिस्क्रिमिनेशन और बुलिंग झेलनी पड़ती है, जो बात बात पर इन्हें नीचे दिखाया जाता है, उसका तो अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। अब ऐसे मेंटल प्रेशर में कोई कैसे अपनी एजुकेशन पूरी करेगा? आप खुद को उनकी जगह रखकर देखिए कि आपकी एजुकेशन किस तरह के एनवायरनमेंट में हुई है और उनकी एजुकेशन किस तरह के एनवायरनमेंट में होती होगी। देखिए, जब ये बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट करते हैं तो ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि क्योंकि इनका एडमिशन रिजर्वेशन की वजह से हुआ था, इसीलिए बाकी बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाए होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वन ऑफ द रीजंस नहीं हो सकता, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकता है? दरअसल इनमें से ज़्यादातर बच्चे एक वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। अब रिजर्वेशन की वजह से इनका एडमिशन तो हो गया स्कूल कॉलेजों में, पर उस एजुकेशन का खर्चा कौन उठाएगा? सरकार की कई स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स के बावजूद भी पूरा खर्चा ना उठा पाने की वजह से कई बच्चों को कॉलेज से बीच रास्ते में ही ड्रॉप करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्कूल कॉलेज तो हम भी गए, हमने तो ना ऐसा कभी कुछ देखा और ना कभी सुना। लेकिन ज़रा अपने आसपास के किसी गांव में जाके देखिए और तब आपको पता चलेगा कि आज भी अनटचेबिलिटी, छुआछूत और कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन भारत की जड़ों से निकला नहीं है। मैं चमार हूँ, ये पासी हैं, हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर। What the fuck is going on here? सिर्फ हफ्ते में दो बार अखबार खोल के देख लिया कीजिए कि इंडिया के अलग अलग कोनों में आज भी कास्ट सिस्टम को किस हद तक फॉलो किया जाता है और आज भी कास्ट के नाम पर कितनी ऑनर किलिंग्स हो रही है। दलित लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है। कौन सा मंदिर? ये देव मंदिर है, जैसे पे वो खुद ही अंदर नहीं जाते, खुद अपने आप नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्या पता उनको पता होगा, हमें नहीं पता, वो तो बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं खड़े होकर। और भैया, बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। भले ही आप शहर में क्यों ना रहते हो, आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने अपने माँ बाप से ये ना सुना हो कि भाई कुछ भी करियो लेकिन शादी तो अपनी कास्ट में ही करियो। आजकल रिजर्वेशन को सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की वजह से ताना दिया जाता है। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन की वजह से उन SC ST के लोगों को एडवांटेज मिल जाती है जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है, यानी कि जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है। और इसकी वजह से SC ST या फिर जनरल कैटेगरी के भी जो गरीब लोग हैं जिन्हें एक्चुअली इसकी ज़रूरत है, उन्हें स्कूल्स, कॉलेजेस कहीं सीट्स नहीं मिल पाती। देखिए, सबसे पहले तो एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं है कि SC या ST कैटेगरी के जिन लोगों को रिजर्वेशन से फ़ायदा होता है वो अपनी कम्युनिटी में बेहतर होते हैं, यानी कि अपने ग्रुप में ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। पर इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी के लोगों से भी बेहतर होते हैं। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 को ध्यान से पढ़िए। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in the favor of any backward classes of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state. यानी कि इसमें क्लियरली मेंशनड है कि रिजर्वेशन का मकसद था इन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का राजनीति में, सिविल सर्विसेज में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना, ना कि इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल करना। जब ये रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई थी तब भी मुद्दा यही था कि ये बैकवर्ड क्लासेस के लोग सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई तो करते थे, मगर जो लोग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते थे वो इन्हें इनकी नीची कास्ट की वजह से रिजेक्ट कर देते थे, ना कि इसलिए क्योंकि ये गरीब थे। और आज भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ का मकसद SC या ST को फाइनेंशियली स्टेबल करना नहीं है, उसके लिए तो सरकार की और भी बहुत स्कीमें हैं, बल्कि मकसद ये है कि इनका हर फील्ड में हर जगह रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए ताकि कोई हो जो सरकार में बैठकर इनके इंटरेस्ट, इनकी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठा सके, इन्हें रिप्रेजेंट कर सके। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हुई है। इनफैक्ट आप सिर्फ ये देख लीजिए कि हमारे देश में लोअर कास्ट के कितने सिविल सर्वेंट हैं, कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं और कितने डॉक्टर्स हैं। आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। देखिए, इन बैकवर्ड क्लासेस के साथ कई सौ सालों तक जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया है। ना इन्हें पढ़ने दिया जाता था, ना ये अच्छी नौकरी कर सकते थे, ना साथ में खा सकते थे, ना मंदिर जा सकते थे। और ऐसा करते करते ये अपर कास्ट से इतना पीछे हो चुके हैं कि इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये सिर्फ एक जनरेशन में अपर कास्ट के बराबर आ जाएंगे, ये कतई अनरियलिस्टिक है। आज अगर रिजर्वेशन को हटा दिया तो इन कम्युनिटीज़ के जो थोड़े बहुत बच्चे भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं और दुनिया भर की मुश्किलों के बाद किसी ठीक ठाक नौकरी में अपनी जगह बना पाते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हर जगह से इनका रिप्रेजेंटेशन और भी कम हो जाएगा।
एक अपर कास्ट का बच्चा जब स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट करता है तो उसके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, वो कोई और जॉब, कोई और फील्ड, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक लोअर कास्ट के बच्चे के पास एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जिससे वो खुद को, अपने परिवार को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस भेदभाव के दलदल से निकाल सकता है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम सबको समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में हर व्यक्ति की सिर्फ एक ही जाति है और वो है मानव जाति। हम सबको मिलकर एक ऐसा देश बनाना है जहाँ इंसान अपने नाम से कम और अपने काम से ज़्यादा जाना जाए। अगर अब भी आपको लगता है कि रिजर्वेशन ठीक नहीं है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका ओपिनियन नहीं बदल पाया। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।